तो दोस्तों ये रही एक वेबसाइट जहां पर आप लोगों को चीप प्राइस में होस्टिंग मिलने वाला है। इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते रहे ताकि आप लोगों को मालूम पड़ सके कि आप लोग डोमेन और होस्टिंग कैसे खरीदना है इस वेबसाइट से। यहां पर आप लोग देख रहे हो तो एक प्रोमो कोड दिया गया है जिसका आप लोग कॉपी करके इसको रखिए और ये आप लोगों को हमेशा काम आएगा। तो अब आप लोगों को क्या करना है, इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करेंगे और ये 50% ऑफ न्यू कस्टमर्स के लिए दे रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे करेंगे तो इसको जो इसके जो तीन प्लान है मंथली वाले वो यहाँ पे दिखाई देगा, जैसे कि ₹75 पर मंथ, ₹125 और ₹150। अब इसमें से जो भी आप लोगों को प्लान चाहिए वो आप लोग ले सकते हैं, लेकिन ये फर्स्ट वाले में डिफरेंस क्या है और ये सेकंड थर्ड वाले में डिफरेंस क्या है वो पहले सुन लीजिए। ये ₹75 वाले लेते हैं तो आप लोग इसमें एक ही वेबसाइट बना पाएंगे और इसमें आप लोगों को चीजें भी लिमिटेड मिलती है, लेकिन आप लोग ये वाला ₹125 वाला प्लान लेते हैं तो आप लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। जैसे कि इसमें आप लोग समझ लीजिए आज फ्यूचर में एक वेबसाइट बनाए फ्यूचर, और उसके बाद आगे आप लोग भविष्य में आप लोगों को अगर और वेबसाइट बनाने का मन करता है तो आप लोग बना सकते हैं, यानी कि इसमें कुछ लिमिटेशन नहीं रहेगा, तीन वेबसाइट तक आप लोग इसमें बना सकते हैं। इससे भी ज्यादा अगर आप लोग वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो ये वाला ₹150 वाला पर मंथ का प्लान लेना होगा। यहाँ पे देख रहे हो तो सब कुछ इसमें एक्स्ट्रा दिया गया है और इसमें बहुत सारी सुविधाएं भी दी गई है। और आप लोगों को हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो SSL सर्टिफिकेट है ये बहुत महंगी चीज है, जो कि आप लोगों को ये वेबसाइट बिल्कुल फ्री में दे रही है। ये होस्टिंग के साथ में आप लोग साथ में इसमें 5 सब डोमेन क्रिएट कर सकते हैं, जो कि अच्छी बात है। और आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि यहाँ पर आप लोगों को लाइव सपोर्ट जो है इसका वो 24/7 दिया गया है, यानी कि सातों दिन 24 घंटे चालू रहेगा, जो कि आप लोगों को हमेशा हेल्प करेगा। अगर यह वाला प्लान लेते हैं ₹125 वाला, तो इसमें आप लोग मंथली विजिटर जो है आप लोगों के वेबसाइट का 50,000 से भी ज्यादा का ये वाला होस्टिंग झेल सकता है, और ये वाले में 10,000 और इससे भी ज्यादा अगर होस्टिंग विजिटर्स आप लोगों के वेबसाइट पाते हैं तो आप लोगों को ये वाला प्लान लेना होगा, जो कि 75,000 विजिट्स मंथली है। अब समझ लीजिए ये वाला 125 वाला प्लान मुझे लेना है और यही वाला प्लान मैं बताऊंगा और बोलूंगा कि रिकमेंड भी आप लोगों को करूंगा कि 125 वाला लीजिए, क्योंकि इसमें सुविधा भी दिया गया है ज्यादा थोड़ा। सबसे बढ़िया प्लान ये ₹125 वाला है। कोई भी आप लोग लेंगे सेम तरीका होगा खरीदने का, तो सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे। समझ लीजिए आप लोग पहली बार डोमेन ले रहे हैं तो आप लोगों को इस वेबसाइट के ही आप लोगों को यहाँ पे होस्टेलिक के सामने यहाँ पे देखिएगा डोमेन लिखा हुआ, इस डोमेन के बटन पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग इस पेज पे आ जाएंगे। समझ लीजिए कोई भी डोमेन लेना आप लोग चाहते हैं तो उसका प्राइस आप लोग देख लीजिए कि रजिस्टर यानी कि पहली बार लेंगे तो उसका प्राइस क्या होगा और उसका रिन्यू करने का प्राइस क्या होगा और उसका ट्रांसफर, अगर समझ लीजिए फ्यूचर में इस वेबसाइट से किसी और वेबसाइट पर आप लोग अपना डोमेन ट्रांसफर करते हैं तो कितना चार्जेस लगेगा, वो रिन्यू करते हैं तो कितना लगेगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर जब खरीदना होगा फिर से रिन्यू करना होगा तो कितना लगेगा, और इस साल पहली बार खरीद रहे हैं तो आप लोगों को कितना पे करना होगा, ये सब देख लीजिए और उसके बाद आप लोग खरीदने चलिए। अब समझ लीजिए आप लोग नया डोमेन खरीदना चाहते हैं तो उस डोमेन का नाम लिखिए और यूनिक सा लिखिए जो कि अवेलेबल हो रहना चाहिए, और अवेलेबल रहेगा जो भी आप लोगों को एक्सटेंशन चाहिए रहेगा इस .com पे दबा करके आप लोग देख लेना और चेक के बटन पे क्लिक करना, अगर वो रहेगा तो आप लोगों को मिल जाएगा, नहीं रहेगा तो आप लोग थोड़ा सा यूनिक लिख के ट्राई कीजिए वो मिल जाएगा। और बस समझ लीजिए कि आप लोगों ने किसी और वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट से आप लोगों ने होस्टिंग यानी कि डोमेन खरीद लिया है और इस वेबसाइट से सिर्फ होस्टिंग लेना चाहते हैं, तो जो भी आप लोगों ने होस्टिंग लिया होगा यानी कि जो भी डोमेन आप लोगों ने दूसरे वेबसाइट से लिया है चीप प्राइस में कैसे भी, या अपना नया होस्टिंग खरीद रहे हैं पुराने डोमेन को इसके साथ में कनेक्ट करना चाहते हैं, तो जो आप लोगों का पुराना डोमेन है उसको यहाँ पे लिखिए, उसका एक्सटेंशन लिखिए और यूज पे क्लिक कर दीजिए। तो समझ लीजिए मेरे पास दूसरे वेबसाइट से मैंने एक डोमेन लिया था तो उस वेबसाइट का जहाँ से मैंने डोमेन लिया है उस डोमेन का नाम मैं लिख देता हूँ जिस वेबसाइट पे लिया है, यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ, मैं समझ लीजिए लिख देता हूँ यहाँ पे earnlearndunia.com और ये एक्चुअल में ले चुका हूँ, इसको कोई ले नहीं सकता फिर से, मैं जस्ट आप लोगों को पूरा करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे भी एक्सटेंशन आप लोगों को डालना होगा .com और फिर से इसको मैं यूज पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे बोल रहा है वैलिड बोल रहा है कि यहाँ पे मैंने .com डाल दिया है, यहाँ पे मैं ऐसा कर देता हूँ थोड़ा और फिर से इसको यूज पे क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे ग्रीन कलर का हो जाएगा, देखते हैं यहाँ पे देख रहे तो ये हमारा जो होस्टिंग है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्टेड हो गया और यहाँ पे ₹125 मंथली यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यहाँ पे टोटल ₹125 दिखा रहा है कि एक मंथ का आप लोगों को ₹125 पे करना होगा। अब आप लोगों को क्या करना है ध्यान से सुनिए, यहाँ पर हमारा जो ये हमने जो प्लान सेलेक्ट किया है ऑटोमेटिक ये सिर्फ एक महीने के लिए है, एक साल का करने के लिए यहाँ पे जो ₹125 INR मंथली लिखा हुआ है इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग एनुअली सिलेक्ट कर लेंगे या सेमी एनुअली, अगर आप लोगों को 6 महीने के लिए चाहिए तो सेमी एनुअली कीजिए, अगर आप लोगों को पूरे एक साल के लिए चाहिए तो
एनुअली पे क्लिक कीजिए, ये 1500 रुपए तक का प्राइस चला जाएगा, यानी कि टोटल 1500 रुपए आप लोगों को पे करना होगा एक साल का होस्टिंग का। अब यहाँ पे ये सब हो जाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोग अपना डोमेन यानी कि जो आप लोगों का प्लान है वो आप लोग फिर से देख लेना, क्या उसमें वही सब सुविधा दिया गया है जो हमने शुरू में देखा था, जैसे कि 3 वेबसाइट बना सकते हैं, तो वो सब सुविधा यहाँ पे दिया गया है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। अब जैसे हम लोगों ने जैसे यानी कि आगे का अलग प्रोसेस पे हम लोगों ने क्लिक किया तो हमारे सामने कुछ इस प्रोडक्ट का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे देख रहे तो 1500 रुपए प्राइस दिखा रहा है। शुरू में मैंने आप लोगों को प्रोमो कोड कॉपी करने के लिए बोला था, उस कूपन कोड को यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए और वैलिड कोड के बटन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा वेट कीजिए और यहाँ पे बोल रहा है 50% वन टाइम डिस्काउंट, यानी कि आप लोगों को यहाँ पे ये जो 1500 रुपए का डिस्काउंट है, ये अगर आप लोग बड़ा वाला इससे प्लान लेते थे, जैसे कि जो 150 रुपए के आसपास जो प्लान था वो वाला अगर लेते थे तो हो सकता था उस पर ये डिस्काउंट लागू होता था, लेकिन ये लागू नहीं हो रहा क्योंकि ये एक साल का आप लोगों को चीप प्राइस में ही दे रहा है एक्चुअल में देखा जाए तो। यहाँ पे चेकआउट के बटन पे क्लिक करेंगे, चेकआउट के बटन पे आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोगों को यहाँ पे अकाउंट बनाना होगा, तो ये सब कुछ आप लोग सही सही डाल दीजिएगा, ईमेल आईडी भी सब कुछ, मोबाइल नंबर, अपने डिटेल डाल दीजिए कंपनी का, कंपनी का नाम डालने के बाद या आप लोग अपना खुद का एड्रेस डाल दीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ये जो पोस्ट कोड है यानी कि ये आप लोगों का एरिया कोड डाल देना, उसके बाद ये इंडिया सिलेक्ट रहने देना, ठीक है। यहाँ पे पासवर्ड डालना और जो पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे भी इसको डालना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि जो इसमें डालेंगे वही पासवर्ड इसमें भी डाल दीजिए। जनरेट पासवर्ड पे क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पे टोटल प्राइस दिखाई देगा कि आप लोगों को कितना भरना है, यानी कि 1500 रुपए। यहाँ पे आप लोग अपने पेटीएम यूपीआई का यूज करके पेमेंट कर सकते हैं, इसको आप लोग ऑन ऑफ भी रख सकते हैं, ये इसका कुछ ऑप्शन यानी कि ये कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये मेरा होगा नहीं क्योंकि मैंने ये सब ऊपर का ये फॉर्म फिलअप नहीं किया है, तो ये सब आप लोग भर लेंगे। जैसे भर के कंप्लीट ऑर्डर के बटन पे क्लिक करेंगे आप लोगों को ये वाला 1500 रुपए भरने के लिए बोलेगा, उसके बाद आप लोगों को पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा और पेमेंट करने के बाद आप लोग अपने यूपीआई से या कैसे भी कर सकते हैं। उसके बाद पेमेंट होते ही आप लोगों का ये जो होस्टिंग आप लोगों ने जो आज सिलेक्ट किया है वो आप लोगों का ऑर्डर हो जाएगा, और उसके बाद आप लोग अपनी वेबसाइट को गूगल पे रैंक कराने के लिए भी अब तैयार हो जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को पता ही होगा कि मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं, आप लोग मेरे चैनल में चेक करेंगे जिसमें मैंने बहुत सारे अच्छा अच्छे इन्फॉर्मेशन दिया है जिससे आप लोग अपनी वेबसाइट को गूगल में इजीली रैंक कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, अगर आप लोगों को कुछ सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं आप लोगों को रिप्लाई जरूर दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।